हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टेड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 21 अक्टूबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1296 ईस्वी में आज ही के दिन अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। सन 1830 ईस्वी में आज ही के दिन हिमालयी इलाकों की खोज करने वाले पहले भारतीय नैन सिंह रावत का जन्म हुआ था। सन 1887 ईस्वी में आज ही के दिन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा का जन्म हुआ था। सन 1889 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय पुरातत्व के विद्वान काशीनाथ नारायण दीक्षित का जन्म हुआ था। सन 1918 ईस्वी में आज ही के दिन मार्गरेट ओवन को 1 मिनट में 170 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड के साथ विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। सन 1934 ईस्वी में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। सन 1951 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। सन 1970 ईस्वी में आज ही के दिन नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। इन्हें हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। सन 1990 ईस्वी में आज ही के दिन दूरदर्शन ने दोपहर की हिंदी व अंग्रेजी समाचार बुलेटिन सेवाएं आरंभ की थी। सन 2012 ईस्वी में आज ही के दिन साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज खिताब अपने नाम कर लिया था। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन दुनिया का सबसे पुराना प्राकृतिक मोती 8,000 साल पुराना अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात के पास मारवाह द्वीप में खुदाई के दौरान खोजा गया था। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को अपनाने के लिए अपनी मंजूरी दी थी। इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश अब स्थानीय निकाय चुनाव कराने में सक्षम होगा और इसके नागरिक आप प्रतिनिधियों को चुनने के अपने अधिकार का आनंद ले सकेंगे। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन मेघालय में घोंघे की एक नई प्रजाति मिली थी। यह राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावशई गांव में एक चूना पत्थर की गुफा के अंदर गहरे में खोजा गया था। उन्हें वैज्ञानिक नाम जियोरिसा मावसमेंसिस दिया गया है और ये आकार में इतने छोटे हैं कि यदि देखा जाए तो एक वयस्क की लंबाई 2 मिलीमीटर से भी कम है। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड मिला था। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्च किया था। इसे कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकेंड या नूरी के नाम से जाना जाता है। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग 2021 में भारत का 106वां स्थान प्राप्त हुआ था। 2022 में आज पुलिस कमेमोरेशन डे है। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और 7 कैद हो गए थे। तो ये थे आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।